नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। मेनिस्कस रूट टियर क्या होता है ये हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। सिम्टम्स कभी कभार क्या होता है कि नी की ट्विस्टिंग इंजरी होती है या फिर अचानक से आपने स्क्वाटिंग पोजिशन में बैठ गए तो आपको एकदम से नी की पॉप साउंड आई, तो उस पॉप साउंड या क्लिक आवाज़ से आने के बाद आपके घुटने में एकदम से सूजन आ जाती है और आप उस पर्टिकुलर पैर पे वज़न नहीं ले पाते हैं। तो इनिशियली ये बहुत ही टेरिफाइंग सिचुएशन हो जाती है एक पेशेंट के लिए कि नी वज़न नहीं ले पा रही है, एकदम से उसमें सूजन आ गई है और कुछ 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 सिनेरियो में नी जो है वो लॉक हो जाता है कि एक पोजिशन में अटक गया। तो ऐसे में हमें क्या करना है? तो इनिशियली सबसे पहले हमें अपने नियर बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है या फिर उससे पहले हमें इसमें आइस पैकिंग करनी है, कोई पेन किलर लेना है जो घर में अवेलेबल है, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल एक MRI स्कैन करवाना है। जैसे ही हम अपना नी का MRI स्कैन कराएंगे, अगर उसमें मेनिस्कस टियर या मेनिस्कस रूट टियर आता है तो उसको दूरबीन के मदद से, जैसे जिसे आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं, आर्थ्रोस्कोपी के मदद से उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नी में आर्थराइटिस हो सकता है। धन्यवाद।